हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरुजी की नई वीडियो में। दोस्तों, इसमें हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आए हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, जो वैकेंसी है वो आई है यहाँ पे इसरो IIT डिप्लोमा ऑनलाइन फॉर्म 2017, तो इस पर हम देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। तो दोस्तों, जो वैकेंसी है इसरो की तरफ से जारी की गई है, जिसमें ITI और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। तो यदि आप ITI और डिप्लोमा होल्डर हैं, यदि आप ITI और डिप्लोमा पास किए हैं, तो आपके लिए वैकेंसी हो सकती है। सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। जो फॉर्म भरा जा रहा है 9/10/2017 से भरा जा रहा है। लास्ट डेट इसकी है 25/10/2017 को। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है 25/10/2017 को। एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून, एग्जाम डेट नोटिफाइड सून, मतलब एग्जाम एडमिट कार्ड और नोट जो है एग्जाम डेट आपको बताया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC फी एग्जेम्प्टेड, SC ST PH फीमेल फी एग्जेम्प्टेड। कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 25/10/2017 को जो है फार पोस्ट कोड 008/016/024 मैक्सिमम 25 ही है। तो 08/016/024 क्या है मैं नीचे बताऊंगा। तो यह इन पोस्ट के लिए मैक्सिमम 25 साल की उम्र होनी चाहिए और अदर पोस्ट के लिए मैक्सिमम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है वैसा मिलता रहेगा। ये देखिए पोस्ट कोड है, यहाँ पे नेमा पोस्ट है, टोटल पोस्ट ये पोस्ट कोड 13 है, जिसमें नेमा पोस्ट मैकेनिकल के लिए है, टोटल पोस्ट 8 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास, ऐसे ऐसे है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल के लिए किसमें क्या क्या मांगे गया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑफिशियली पढ़ के सुना देता हूँ उनकी नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे आप सारी चीज़ें समझ जाएँ। तो ये देखिए नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन पर जाना है, तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो जब तक ओपन हो रहा है तब तक मैं इसे, और इसमें जो वैकेंसी टोटल पोस्ट जो है इसमें लगभग, ये देखिए नोटिफिकेशन हो गया। तो ये देखिए भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले इन्होंने दिया है। तो देखिए यहाँ मैकेनिकल के लिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया सारी चीज़ें वही यहाँ पे दी हैं, मैंने इसे पहले से ही पढ़ के सब कुछ देख लिया है, लेकिन मैं जो मेन मेन चीज़ें हैं आपको सुना देता हूँ। तो ये देखिए है सब कुछ जो दिया है। उसके बाद एज लिमिट मैंने बता ही दिया, 25/10 को इतना है आपको। और मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, देखिए सिलेक्शन किस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका फार पोस्ट कोड इतने के लिए, जो पोस्ट कोड इतने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, फार पोस्ट कोड इतने के लिए रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट मतलब आपका जो है एक एग्जाम होगा जिसमें रिटन होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। और फार पोस्ट 00/016 के लिए रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल फिटनेस प्लस इंड्योरेंस टेस्ट, मतलब कि रिटन के साथ साथ आपका फिजिकल होगा। द फाइनल सर्विस विल बी डन अमंग क्वालिफाइड कैंडिडेट प्योरली बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय देम इन रिटन टेस्ट, मतलब जो आपने रिटर्न टेस्ट में स्कोर किया है उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फ्रॉम अमंगस्ट कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द स्किल टेस्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स इम्प्लीमेंट शैल बी डन इन द ऑर्डर टू मेक ऑब्टेन द रिटर्न टेस्ट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सिलेबस की बात करें तो ये सारे सिलेबस दिया हुआ है फार पोस्ट कोड इतने के लिए, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ये यहाँ पे जाना है ऑफिस, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे इसरो की वेबसाइट खुल जाएगी। क्लिक है टू अप्लाई पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो और चीज़ें कुछ हो तो ये देखिए लास्ट डेट में शुरुआत डेट है 9/2017 9 अक्टूबर, और लास्ट डेट 25/10/2017 है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मैंने नोटिफिकेशन भी पढ़ के सुना दिया। और ये यहाँ पे इस वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, उसे मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो आप अपने आपसे पोस्ट वगैरह पढ़ भी सकते हैं।
तो यही था आपको बताना इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको यह वैकेंसी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप आईटीआई और डिप्लोमा पास हैं तो इस वैकेंसी को मैं जरूर अप्लाई करें, मैं यही कहूँगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, जैसा कि आप जानते होंगे, जो इसरो का नाम आप सुने होंगे, जो बहुत बहुत सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो यहाँ पे जो पे स्केल्स वगैरह भी इन्होंने देखे हैं, पे स्केल्स वगैरह के बारे में कुछ बात की है कि नहीं की है, तो यहाँ पे हमें तो अभी तक नहीं दिखा कुछ कि कितने पैसे आपको देंगे। तो पैसे की बात यहाँ पे देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया है। 100 मीटर रन आपको 13 सेकंड में, हाई जंप 5 फीट की, लॉन्ग जंप 17 फीट की, पुटिंग शॉट 24 फीट, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग 14 फीट की है, पुल अप्स 10 NOS, 1500 मीटर रन 5 मिनट 15 सेकेंड में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जिन्होंने पैसे की बात तो कहीं नहीं लिखी है, तो यही है इस वीडियो में आपको बताना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप डिप्लोमा ओडीआई होल्डर हैं तो आप इस जो है वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिए। और मैं तो कहूँगा अप्लाई करके आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसके बारे में और कुछ पूछना है तो मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाली इस पेज की। यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हम और वीडियो बना सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।